गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर सेकेंड क्लास फॉर क्लास टू, द चैप्टर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. इन दिस क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट सम अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. हम अपने इस क्लास को डिस्कस करने से पहले पिछले क्लास को रिकॉल करते हैं कि आखिर पिछले क्लास में हमने क्या क्या देखा था. तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, जो हमारा क्या था, मॉनिटर था, कीबोर्ड था, माउस था और सीपीयू बॉक्स था. उसमें हम लोगों ने देखा था कि आखिर हमारा मॉनिटर क्या होता है, हमारा मॉनिटर कैसे यूज होता है, कहां कहां यूज होता है, उसका हम लोग कहां कहां यूज करते हैं. उसके बाद हमने कीबोर्ड देखा था, कीबोर्ड में यह देखा था कि आखिर कीज क्या होते हैं, कौन कौन से कीज होते हैं उसमें, और फिर कीबोर्ड को हम लोग कैसे यूज करते हैं. फिर हमारा माउस था और माउस को हम लोग कैसे यूज करते हैं इसके बारे में पढ़े थे. उसके बाद हम लोगों ने बॉक्स के, सीपीयू बॉक्स के बारे में पढ़ा था और उसमें देखा था कि सीपीयू जो होता है हमारा उसके अंदर में कहां पर रहता है. और फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था स्पीकर के बारे में. और आज इस क्लास में हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे, सम डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि आखिर वो डिफरेंट पार्ट्स कैसे हमारे कंप्यूटर में यूज होते हैं, जिसमें हमारा सबसे फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा है हेडफोन एंड ईयरफोन. दूसरा पार्ट जो हमारा है वो हमारा है जॉयस्टिक. तीसरा पार्ट हमारा है वेबकैम और चौथा पार्ट जो हमारा है वो है हमारा प्रिंट. तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके. हम अपने पहले इक्विपमेंट को जो हमारा है हेडफोन एंड ईयरफोन्स. तो ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक आज का, हेडफोन्स एंड ईयरफोन्स. हेडफोन और ईयरफोन आप लोग जानते होंगे कि हेडफोन जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, जिसको आप लोग पूरे हेड में लगा के और कान में लगाते हैं, और ईयरफोन आपका वो होता है जिसको केवल सिंगल आप लोग अपने ईयर में यूज करते हैं. तो देखते हैं आखिर हमारा कंटेंट क्या कहता है. हेडफोन्स एंड ईयरफोन्स आर पर्सनल स्पीकर्स दैट आर यूज्ड टू साउंड और म्यूजिक विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स. हेडफोन और ईयरफोन हमारा जो होता है वो हमारा पर्सनल स्पीकर होता है, जिसका यूज करके हम लोग सॉन्ग म्यूजिक को सुन सकते हैं बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए. पिछले क्लास में जो हम लोगों ने स्पीकर पढ़ा था वो स्पीकर हमारा सबको सुनने के लिए था. जैसे आप लोग सुबह सुबह असेंबली में आते हैं, आप लोगों का स्पीकर बजता है, आप लोगों का मॉर्निंग प्रेयर उसमें बजता है, तो वो आपका स्पीकर हुआ. अगर उसी के जगह पे अगर हम आपको सुबह असेंबली करने के लिए अगर हेडफोन और ईयरफोन दे दें तो बगल वाले को वो साउंड नहीं पता चलेगा. और आप अपने कान में उस हेडफोन को या ईयरफोन को लगाइएगा और फिर सुबह का असेंबली बिना बगल वाले को डिस्टर्ब किए हुए कर सकते हैं. वो आपका अपना पर्सनल स्पीकर हो जाएगा. अब हमारा दूसरा है हेडफोन आर लार्जर एंड वी वियर देम ओवर हेड. हमने आपको जैसा कि बताया कि हेडफोन जो होता है साथ में बहुत लार्ज होता है और उसको हम लोग अपने पूरे हेड के ऊपर से पहनते हैं और फिर हम अपने कानों को कवर करते हैं. ईयरफोन्स आर स्मॉलर इन साइज, दे आर सफर इन द ईयर्स. ईयरफोन जो होता है वो हमारा बहुत दिखने में छोटे साइज का होता है और उसको हम लोग पूरे अपने ईयर में लगाते हैं. लेकिन हेडफोन और ईयरफोन्स के ज्यादा पिच ऑफ साउंड सुनने से आपका ईयर ड्रम भी खराब हो सकता है, इसीलिए अवॉइड हेडफोन एंड ईयरफोन्स. क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है इसीलिए हम आपको बता रहे हैं. हमारा सेकेंड पॉइंट है जॉयस्टिक. आप लोग अपने घर में गेम खेलते हो, अब वो इंडोर आउटडोर गेम नहीं, कंप्यूटर गेम. और कंप्यूटर गेम में आप लोग देखते होइएगा कि आपके पास एक जॉयस्टिक होता है, उसको आपका प्लेट की तरह होता है और उसके ऊपर मात्र एक उसका एक नीब होता है, और जब आप इसको ऐसे ऐसे कवर कर घुमाते हैं तब आपका जॉयस्टिक मूव करता है और अंदर का प्लेयर्स भी
मूव करता है। तो वही है, इट इज यूज टू प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर। इसका यूज हम लोग कहां करते हैं? प्ले गेम्स, गेम खेलने के लिए यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट है, वी कैन कंट्रोल द पॉइंटर ऑन द मॉनिटर यूजिंग दिस। हम लोग इसका यूज करके अपने कंप्यूटर पर जो भी एक्टिविटी हो रहा है गेम में उसको कंट्रोल करते हैं। यानी कि वी हैव टू कंट्रोल आवर गेम पॉइंटर। हमारे गेम के अंदर का जो पॉइंटर होता है, हमारे गेम के अंदर का जो कंटेंट होता है, हमारे गेम के अंदर का जो पर्सन होता है या फिर कोई भी थिंग होता है, उसको हम उस चीज से कंट्रोल करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट वन आ गया वेव कैमरा। अब वेव कैमरा कैप्चर्स फोटो और वीडियोस। वेव कैमरा हमारा क्या करता है? वो हमारा फोटो को और वीडियो को कैप्चर करता है। हम आप लोगों को आज वेव कैमरा दिखाते हैं कि कंप्यूटर, वैसे तो लैपटॉप में हमारा ऊपर में ही वेव कैमरा होता है, लेकिन हम आप लोगों को वेव कैमरा दिखाते हैं। ये देखिए, ये आपका कंप्यूटर का एक्सटर्नल और एडिशनल वेव कैमरा है, जिसको यूज करके हम लोग फोटो और वीडियोस बना सकते हैं। ये उसका यूएसबी केबल है जिसको हम लोग कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं यूएसबी पोर्ट से, और इसके मदद से हम अपने कंप्यूटर में फोटो क्लिक करके स्टोर करते हैं और फिर वीडियो बनाते हैं। हमारा सेकेंड पॉइंट है, इट इज यूज्ड फॉर लाइव वीडियो चैट्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसका यूज हम लोग लाइव वीडियो चैट में भी करते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी करते हैं। जैसे आपको किसी के साथ अगर वीडियो कॉल बात करना है तो आप इस वीडियो कैमरा का यूज कर सकते हैं। जैसे आपको आपको आप किसी आपको कोई मीटिंग अटेंड करना है, आप अपने अभी लॉकडाउन में अपने घर पर बैठे हुए हैं, आपके पापा किसी कंपनी में या किसी ऑफिस में काम करते होंगे, अगर वहां बोला जाएगा कि आप लाइव आइए, हमको आपके साथ मीटिंग लेना है, तो वो उस समय इस वेब कैमरा का यूज कर सकते हैं। ये वेब कैमरा हमारे कंप्यूटर के लिए होता है, डेस्कटॉप के लिए। हमारे लैपटॉप में वेब कैमरा उसके अपर सेक्शन में ही ऑलरेडी होता है, बिकॉज लैपटॉप इज अ स्मार्ट कंप्यूटर। अब ये था हमारा वेव कैमरा। अब इससे आगे लास्ट वन पे हम लोग आते हैं, जो हमारा है प्रिंटर। वैसे तो आप लोग बहुत सारा प्रिंटर देखे होंगे, लेकिन अब प्रिंटर होता क्या है? तो सबसे पहले जानिए कि प्रिंटर आपका एक आउटपुट डिवाइस होता है। जो इंस्ट्रक्शन आप अपने कंप्यूटर को देते हैं, उसी इंस्ट्रक्शन को वो हार्ड कॉपी के थ्रू आपको देता है। तो सबसे पहला पॉइंट है, प्रिंटर हेल्प्स अस टू प्रिंट द वर्क डन ऑन द कंप्यूटर ऑन द पेपर। आप अपने कंप्यूटर में जो भी वर्क करते हैं, प्रिंटर उसको प्रिंट करके हार्ड कॉपी पे आपको देता है। आप जो भी वर्क अपने कंप्यूटर पे करते हैं उसको। सेकेंड पॉइंट क्या है, द प्रिंटेड पेपर विच कम्स आउट फ्रॉम द प्रिंटर इज कॉल्ड प्रिंट। तो देखा आपने, हम जो भी प्रिंट करते हैं अपने कंप्यूटर से, हमारे कंप्यूटर से पेपर प्रिंट हो गया था, उस प्रिंटर को हम लोग बोलते हैं, उस प्रिंटेड पेपर को हम लोग बोलते हैं प्रिंट आउट। यानी कि वैसा पेपर जो हमारे कंप्यूटर से प्रिंट होकर आता है उसको हम लोग प्रिंट आउट बोलते हैं। जैसे आपको बोला जाता है जाइए इस पेपर का प्रिंट आउट करवा के लाइए, तो आप क्या करते हैं, एक पेपर लेके आते हैं, कहते हैं ये रहा आपका प्रिंट। तो वही जब हम किसी प्रिंटर से प्रिंटेड पेपर निकालते हैं तो वही हमारा क्या होता है, प्रिंट आउट होता है। अब हमारा तीसरा है, प्रिंटर आर डिफरेंट
इंकजेट प्रिंटर। हमारा तो प्रिंटर जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। पहला प्रिंटर होता है वो आपका होता है डॉट मैट्रिक्स टाइप प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स टाइप प्रिंटर क्या होता है? डॉट मैट्रिक्स टाइप प्रिंटर जो होता है आपका बहुत आसानी से मिल जाएगा, आपका चीपेस्ट होता है, उसमें आपका कोई ज्यादा खर्चा नहीं होता है। जब आप उसमें प्रिंट डालता है वो ज्यादा साउंड भी करता है और उससे प्रिंट थोड़े देरी से आता है और उसमें डॉटेड 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 लाइन में प्रिंटर आता है। जैसे आप दुकान में जाते हैं कोई बिल लेते हैं तो वहां पे आपको ऐसे करके प्रिंट देता है सी ऐसे ऐसे। तो ये आपका जो होता है वो आपका होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दूसरा आपका है इंकजेट प्रिंटर, जो आपका नॉर्मली प्रिंटर यूज होता है जिसमें आप लोग इंक डालते हैं और वो प्रिंटर आपको प्रिंट देता है। ये प्रिंटर आपका थोड़ा सा चीपेस्ट होता है लेकिन इस प्रिंटर का यूज बहुत कम जगह होता है और थोड़ा सा ये जो होता है कॉस्ट में आपका इसका प्रिंटिंग इंक हाई होता है। अब तीसरा और लास्ट वन बच गया जो आपका लेजर प्रिंटर है। ये आपका आसानी से नहीं, यानी कि ये आपका जो होता है बहुत एक्सपेंसिव है लेकिन इसमें कोई साउंड नहीं है और इसका प्रिंट आपको बहुत स्मूथ और बहुत क्विक आता है। तो ये था आपका प्रिंटर। तो ये हो गया आपके चैप्टर का इन। अब हम आपको बुक दिखाते हैं और बुक में आपको देखना है कि आपको करना क्या है और फिर आपको इस बुक का जितना भी आंसर क्वेश्चन और जो भी है वो सारे को करना है और फिर आपको इस चैप्टर को एंड करके इसका फेयर कर लेना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर आप प्रॉब्लम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये रहा आपका सेकेंड चैप्टर और सेकेंड चैप्टर में आपका इतना सारा क्वेश्चन है जिसको आप बनाने का कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तब हम फिर से इसका डिस्कशन करेंगे और आपका जो भी क्वेश्चन फंस रहा है उस पर पॉइंट आउट करके उसको डिस्कस करेंगे। ये हो गया आपके चैप्टर सेकेंड का एंडिंग। तो आपका चैप्टर फर्स्ट जो है वो एंड हो गया है। अब आप इसका सारा कुछ कर सकते हैं और क्लास वन का बच्चों वन के बच्चों का ये चैप्टर सेकेंड है वो भी एंड हो चुका है। अब आपको इसमें ये जज करना है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। अब आप खुद से इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में लिख सकते हैं। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।